भारत में बन रही एशिया की सबसे बड़ी सुरंग 2026 नहीं 2024 में शुरू हो जाएगी जोजिला टनल। 3 घंटे नहीं 20 मिनट में पार होगा जोजिला दर्रा। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से 19 टनल का निर्माण हो रहा है, जिसमें से सबसे खास है जोजिला टनल, जो कि एशिया की सबसे लंबी टनल के साथ साथ स्मार्ट सुरंग की मिसाल के तौर पर जानी जाएगी। इस टनल के पूरा होने पर भारी बर्फबारी के बीच भी लद्दाख जाना आसान होगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। आपको बता दें कि 6800 करोड़ रुपए की लागत से 11,578 फीट की ऊंचाई पर इस 13.14 किलोमीटर लंबी टनल का निर्माण हो रहा है, जो कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास शहर के बीच हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे से गुजरेगी। ये सुरंग मौजूदा हाईवे से 400 मीटर नीचे से बन रही है। ये 7.57 मीटर ऊंची घोड़े की नाल की आकार की सिंगल ट्यूब 2 लेन टनल है। ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग कही जा रही है। जहाँ टनल बनाया जा रहा है वह जगह कुतुब मीनार से 5 गुना अधिक ऊंचाई पर है। टनल का निर्माण 60-70% हो चुका है और यही वजह है कि 2026 से घटाकर इसकी डेडलाइन 2024 कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2018 में इस परियोजना की नींव का पत्थर रखा था। दरअसल बर्फबारी के चलते लद्दाख में अभी 7 महीने सड़क संपर्क बंद रहता है। इस सुरंग के बनने के बाद जोजिला दर्रे से गुजरने में लगने वाला वक्त 3 घंटे से घटकर सिर्फ 20 मिनट रह जाएगा। इससे समय के साथ ईंधन की बचत होगी, साथ ही लद्दाख को ऑल वेदर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। बताया जा रहा है कि एक 18 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जाएगी, जो जेड मोड़ सुरंग से जोजिला टनल तक जाएगी। इस सुरंग में इमरजेंसी लाइटिंग, वेंटिलेशन, मैसेज साइन, ट्रैफिक लॉगिंग, पावर सप्लाई, CCTV, वेरिएबल इक्विपमेंट, ओवर हाइट व्हीकल डिटेक्शन, टनल रेडियो सिस्टम जैसी सुविधाएं से लैस होगी। जोजिला सुरंग में हर 125 मीटर के बाद इमरजेंसी टेलीफोन व फायर फाइटिंग कैबिन की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही इस सुरंग में पैदल जाने वालों के लिए हर 250 मीटर पर रोड क्रॉस करने की व्यवस्था होगी। इस सुरंग में यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत ना हो, इसके लिए पाइप द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन लाई जाएगी। इस सुरंग का निर्माण न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड का उपयोग करके किया जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने की वजह से ही इस प्रोजेक्ट में करीब 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है, जिसका उपयोग दूसरे विकास कार्यों में किया जा रहा है। जोजिला दर्रे के पास का इलाका बेहद कठिन है और यहाँ पर हर साल कई जानलेवा दुर्घटनाएं की खबर सामने आती है, लेकिन जोजिला टनल तैयार होने से दुर्घटनाओं की संभावना ना के बराबर रह जाएगी। ये सुरंग आम जनता और पर्यटकों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी वरदान साबित होगी। अभी सेना को नए कारगिल, अन्य सैन्य पोस्ट के लिए रसद सामान ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बर्फ से रोड बंद होने के कारण 6 महीने का ही समय मिल पाता है, लेकिन जोजिला टनल बनने पर हर मौसम में कश्मीर घाटी से लद्दाख का संपर्क बना रहेगा। श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के इलाके जुड़े रहेंगे। ये इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि सेना के लिए ये सड़क सियाचिन तक जाती है। कुल मिलाकर ये टनल लद्दाख की 12 महीने की कनेक्टिविटी देगी, टूरिस्ट सेक्टर में बूस्ट आएगा, साथ ही सैन्य मदद पहुंचाने में भी आसानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।